खबर बीगोद से। कस्बे के पुराना हॉस्पिटल मार्ग पर मंगलवार साय एक सत्संग कार्यक्रम में विश्राम गुरु ने कहा कि कोरोना कुदरत के कहर की ट्रेलर मात्र है। आगामी तकलीफों से बचने का उपाय बताने वाले इस समय सतगुरुदेव हैं। संत सतगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत महाराज के संदेश को सुनाते हुए बीगोद कस्बे में विश्राम गुरु ने कहा कि सतगुरु कमी भी आत्महत्या, जीव हत्या और मानव हत्या करने की बात नहीं कहते हैं। किसी भी तरह की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आत्महत्या मत करना, आत्मा की प्रेरणा मत देना और जीव हत्या करने वालों को समझना। लेकिन बहुत से लोगों तो यही सोचते हैं कि बलि चढ़ाने से ही देवता खुश हो जाते हैं, लेकिन बलि चढ़ाने से देवता कभी भी खुश नहीं होते, बल्कि नाराज होते हैं और व्यक्ति को जीव हत्या का पाप लग जाता है। ऐसे पाप के काम करने वाले व्यक्ति जीवन में तकलीफ झेलते ही रहते हैं। मांसाहार पर कहा कि जब मांस, अंडा, मछली का भोजन शरीर में जाता है तो ये इससे मनुष्य गंदा हो जाता है। मांसाहार सेवन से किए गए जप, तप, पूजा पाठ, अनुष्ठान से फल नहीं मिल पाता। महाराज ने अपील की कि जीवन हत्या मत करना। जो जानवरों को मार के लाता है, काटता है, मांस को निकालता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है, इसलिए पाप से दूर रहना। पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। कुदरत अभी नाराज है और सजा देने को तैयार है। गुरुदेव ने कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी के बारे में भी पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा कि जब से मांसाहार बढ़ा तब से बीमारियां बढ़ गई। यदि लोगों ने शाकाहार नहीं अपनाया, अच्छे कर्म नहीं किए तो बहुत बेकसूर लोग हमारे जाएंगे, बहुत बुरा समय आएगा। आज यदि शराब पूरे देश में बंद हो जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत बंद हो जाए। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा, अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। आज यदि शराब पूरे देश में बंद हो जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा। शराब 1000 बुराइयों की जड़ है, कभी मत पीना। सत्संग में समाज सेवी बसंती लाल नागौरी, अमरचंद नागौरी, राजेंद्र कुमार पारिक, पदम कुमार जैन, भैरूलाल तेली, रतनलाल तेली, प्रमोद कुमार नागौरी, सत्यनारायण तेली, अंकित कुमार पारिक, श्रवण कुमार टेलर्स आदि मौजूद रहे।